लगातार टिड्डियां किसानों के लिए मुसीबत बन रही थी, उसके बाद अब यहां पर डीजे बजवाया गया है टिड्डियों को भगाने के लिए। खेतों में फुल वॉल्यूम पर डीजे पर धुन बजाई गई है। टिड्डियों भगाने में ये कारगर डीजे रहा। एक बार आपको सुनाते हैं किस तरह से डीजे वाला प्रयोग किया गया है टिड्डियों को भगाने के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ झांसी से संवाददाता एसएस झा जुड़ चुके हैं। एसएस, क्या माना जाए, जिस तरह से टिड्डियों का प्रकोप है, अब एक ही फॉर्मूला झांसी में समझ आ रहा कि डीजे बजाते रहो और टिड्डियों को भगाते रहो। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से झांसी में पाकिस्तान और राजस्थान से जिस तरीके टिड्डी जो आई हैं, उसके लिए झांसी के प्रशासन सक्रिय हुआ, तो सक्रिय होने के बाद रात में कीटनाशक दवा छिड़कवाता है और दिन में डीजे की मदद से टिड्डियों को भगाने काम कर रहा है। लेकिन आज झांसी की बात करें तो झांसी में मोर तहसील क्षेत्र की बात करें तो मोर तहसील क्षेत्र में यहाँ पर डीजे बजवाए गए, जहाँ पर टिड्डियों को भगाया गया। आज हजारों को लाखों की जत्था में जो टिड्डी ऊपर से निकल रही थी, आसमान से निकल रही थी, जैसे जैसे डीजे वहां पहुंचा, डीजे बजवाया गया, तेज आवाज से बजवाया गया, टिड्डी यहां से निकल गई है। अब निकलने के बाद गरोठा तहसील क्षेत्र में पहुंची है, वहां भी प्रशासन सक्रिय है, वहां भी बिल्कुल यहाँ पर ये खुद के प्रयास है जिससे किसान खुद की फसल को खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर कवायदे क्या कह रही हैं, तस्वीरें क्या कह रही हैं, क्या अभी बुंदेलखंड में टिड्डियों का आतंक कम होता हुआ नजर आ रहा, या फिर इस काम चलाओ व्यवस्था के भरोसे ही इस मुसीबत से निपटने की तैयारी है? देखिए, किसानों की बात करें तो किसान तो अब परेशान वैसे रहता है हमेशा, और जिस तरीके से प्रशासन जो किसानों की मदद कर रहा है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके प्रशासन ने किसानों से सहयोग मांगा है और सहयोग की बात भी कही है, सहयोग करें हमारे साथ टिड्डियों के लिए साउंड बजवाएं, लेकिन जिला प्रशासन ही साउंड बजवा रहा है, लेकिन किसानों कहीं ना कहीं राहत है इस बात के लिए कि बुंदेलखंड में हमेशा की तरह परेशान रहते थे, लेकिन टिड्डी जो आ गई है इससे कहीं ना कहीं किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ऐसा सब देखने वाली बात होगी कि किसान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन अपने स्तर पर टिड्डियों का ये आतंक बुंदेलखंड से खत्म होगा तो होगा कैसे।